अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। उन्हें सुकून दिल और हालात पर अमल रखने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक पढ़ें। इस हदायत पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुताला शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें करार आया। अमिताभ बच्चन ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर कुरान पाक की स्पेलिंग ठीक की और आयतों का तर्जमा भी लिखा कि जो किस्मत में होता है मिलकर रहता है। मुल्की बका और सलामती के लिए कुरान पाक पढ़ना एक अच्छा नुस्खा है, इसलिए इस पर अमल पैरा है। सूरत यासीन की आयत का कमाल शोहर और बीवी में मोहब्बत डालने के लिए अगर ये वजीफा करे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। शोहर भी कर सकता है और बीवी भी कर सकती है। सूरत यासीन की एक आयत का बहुत कमाल का अमल बताने जा रहे हैं। अगर शोहर अमल कर ले तो बीवी उससे मोहब्बत शुरू कर दे, और अगर बीवी शुरू कर दे तो शोहर उससे मोहब्बत शुरू कर दे। बहुत ही आसान सा वजीफा है। अगर आप एक दूसरे की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो आज ही ये अमल करें। नतीजा देकर आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। वजीफे करने का तरीका, सूरत यासीन के हर मुबीन पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर 450 बार पढ़ना है 7 दिन, ये वजीफा करना है। और अमल के अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। अगर आप सूरत कुरैश एक दफ़ा पढ़ेंगे तो अगर खाने के अंदर जहर भी मिला होगा तो अल्लाह के फजल से असर नहीं करेगा, खाना फूड पॉइजन नहीं बनेगा और वो खाना बीमारी नहीं बनेगा, सेहत बनेगा। वो खाना उसे गुनाहों की तरफ माइल नहीं करेगा, नेकी का जरिया बनेगा। और जो दूसरी दफ़ा सूरत कुरैश पढ़ेगा अल्लाह पाक जल्ला शानहू इसको ऐसा दस्तरखान सदा देता रहेगा, बेहतरीन अच्छे से अच्छा आता फरमाते रहेंगे। जाहिर है रोज़ी जब अच्छी होगी, जब रोज़ी में बरकत होगी तो तभी दस्तरखान अच्छा होगा। और जो तीसरी मरतबा सूरत कुरैश पढ़ेगा अल्लाह इसकी 7 नस्लों को भी लाजवाब लाजवाब खाने दस्तरखान रिज़्क देते रहेंगे। आप भी आज से यही पढ़ें, ज़िंदगी में तब्दीली आप खुद महसूस करेंगे। अपने अज़ीज़ो क़ारिब को भी इसको बताएं और दोस्तों को लाजमी इसको शेयर करें। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है, सदका जारिया समझकर इसको शेयर कर दें, लाइक और कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली दीनी इस्लामी इस्लाही मालूमात और वज़ाइफ़ की वीडियो वक्त पर मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम।